यस उमर, वो हमारे डिजाइनर स्कूल का प्रोफेसर है ना? हाँ, डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, जहाँ अब डेफनी भी ट्रेनिंग के लिए जा रही है। हाँ, डेफनी भी वहीं डिजाइनिंग सीख रही है। अब हमें चाहिए कि हम ये काम करें कि ट्रामा से पहले उनको डिजाइनिंग की जॉब ऑफर दे दें। इससे पहले कि ट्रामा की तरफ से उन्हें ऑफर मिले, हमें ये काम करना चाहिए। आ जाओ डेफनी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसी हो? हे सिनान सर, कैसे हैं आप, बताइए मुझे। ठीक। कैसा है ये? तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा नहीं डेफनी, बहुत अच्छा है। जलो मत, मेहनत करो, तुम्हें भी तारीफ मिलेगी। सिनान, ये डिजाइन मुझे हर हाल में चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। डेफनी, क्या तुम जानती हो डिजाइन किसने बनाया है? नहीं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता किसने बनाया। डेफनी, इसमें तुम्हारा डिजाइन कौन सा है? मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, शायद बनाया हो। हाँ बस वो शायद। जी कैसे हैं आप? मैं सिनान पैशन से। जी मैं सिनान बात कर रहा हूँ, पैशन से। आप कैसे हैं सर? शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने डेफनी को एडमिशन दिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल की। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ सिफारिश नहीं चलती, इसलिए मैं बगैर किसी सिफारिश के आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे पास कुछ डिज़ाइन आए हैं, उसमें से हमें 17 नंबर पसंद आया है। हमें ये बहुत पसंद आया है। बहुत पसंद आया। आपके जिस स्टूडेंट ने ये डिज़ाइन बनाया है, क्या हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? क्या? अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं उमर से बात करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, वो असल में ना, ये असल में ये डिजाइन ट्रामा ने खरीद लिया है, मतलब कि डिजाइनर ने अपने डिजाइन भेज दिए हैं और डेनिस ने उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का कहा है। ऐसा क्यों किया है उसने? ये तो एक मुकाबला है, हम इसकी कीमत और बेहतर दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम डिजाइनर को जानते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अरे नहीं यार, आप कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। डेफनी, तुम हमारे लिए इसे ढूंढ सकती हो? मैं? हाँ। लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है ना? फिकर मत करो, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है इसमें। ट्रामा ने थोड़े पैसे देकर प्रोफेसर का मुंह बंद कर दिया है और कुछ नहीं। अरे लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल बेकार है, बहुत खराब सा है, रहने दे। अरे इसको तो देखो कैसे जल रही है यार, हद है। सिनान, हाँ। हम फिर भी इसे कॉन्टेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हम भी इसे ऑफर दे सकते हैं यार। हम इसे बड़ी रकम ऑफर करेंगे, बस ये पता करो किसने बनाया है। अरे नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मतलब उमर सर, ये बहुत ज्यादा बकवास है यार, मैं बता रही हूँ ना, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? जाने दीजिए इसे। अरे मेरी जान, हम उमर के लिए कोई पार्टनर तलाश नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसे हम सिखा सके। इस डिजाइन को देखो जरा, इसकी बात ही अलग है। बात सच में? अच्छा डेफनी, हमें कुछ भी करके इसे लेना होगा, ये काम तुम पर है, कैसे लेना है? मैं कोशिश करूंगी। हाँ कोशिश करूंगी, फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है। सिनान, तुम इसकी डिटेल देखो जरा। ठीक है डेफनी, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, गई मैं बर्बाद हो गई। क्या करूंगी मैं? हाँ हेलो नेहान, बस तुम ऐसा मान लो कि मैं चल बसी हूँ दुनिया से, मैं तो गई, बर्बाद हो गई। मतलब गई यार, वो डिजाइन थे ना जो मैंने बेचे थे, उमर को वो इतने पसंद आ गए, वो खरीदना चाहता है वो। अच्छा, तुम्हें खुद पे फख्र होगा। अरे लड़की क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने तो उसको ट्रामा को बेच दिया है ना, अब अगर उमर सर को पता चला कि वो मैंने बेचे हैं उसको, तो मेरी जान निकालेंगे यार, तुम समझ नहीं रही हो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। निहान यार, डेफनी तुम तो बहुत बुरा फंस गई हो, अब क्या करोगी? यार अगर मैं बता दूं कि ट्रामा आया था और मैंने उसको वो बेचे हैं तो क्या सही रहेगा? यार ऐसे तो वो गलत ही समझेगा ना। डेफनी अभी तुम खामोश रहो, कुछ नहीं बोलना, हो सकता है वो
भूल जाए इस बात को। ठीक है मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ वैसे भी मैं बात को ना बहुत ज्यादा लंबा कर देती हूँ, तुम तो मेरी आदत जानती हो सकता है कि उमर भूल जाए। हाँ रिलैक्स हो जाती हूँ। हो जाओ। चलो रखती हूँ मैं फोन। ठीक है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हो, एक डिजाइन ही तो है, भूल जाएगा वो। हाँ भूल जाएगा। अरे यार मैं ट्रामा को फोन करके डिजाइन वापस ले लेती हूँ। हाँ ऐसा ही करती हूँ। उमर हमें ये स्टोर वाला मामला सुलझाना होगा, वो स्टोर की जगह चेंज करवाना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता सिनान, वो शोरूम सिर्फ हमारा एक फॉरेन लिंक है, लोकेशन अहम होती है। हाँ अच्छा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका मसला क्या है। डेनिस ट्रामा हमारी जगह लेना चाहता है। यार क्या वो आदमी पागल है, उसका शोरूम इतना अच्छा चलता है फिर वो हमसे क्या चाहता है। पागल है और एक पागल चाहेगा क्या, हर तरफ से अटैक कर रहा है ऑक्टोपस की तरह, ये जंग आसानी से खत्म नहीं होगी। यार सिनान दिल तो चाह रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, हमें भी थोड़ा आराम आ जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, मारते हैं साले को। लेकिन नहीं हम एक काम करते हैं कि प्लॉट वाले से जाकर मीटिंग करते हैं। साइको लगता है। हेलो डेनिस साहब, गुड मॉर्निंग, मैं डेफनी बोल रही हूँ। हेलो डेफनी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। वो मैंने कुछ सोचा था, जो डिजाइन्स मैंने आपको बेचे थे ना, याद है आपको, मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। मतलब कि मैं आपको कुछ और डिजाइन्स दे दूंगी, बस आप उसे कैंसिल कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वो मुझे वापस कर देंगे तो। बिल्कुल नहीं डेफनी, कभी नहीं। और ये तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया, हमारी कितनी अच्छी डील हुई थी। हाँ हुई तो थी लेकिन फिर मैंने सोचा ये सही नहीं है ना। मैंने सोचा तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा ये, मतलब कि मैंने सही नहीं किया क्योंकि मैं पैशन में काम करती हूँ। तो क्या हुआ डेफनी, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम उनके पास काम करती हो और तुम अपने डिजाइन किसी को भी बेच सकती हो। नहीं ना सही नहीं है, मैंने कहा ना आप प्लीज वो डिजाइन कैंसिल कर दीजिए, मुझे वापस दे दें। सॉरी डेफनी, वो तो मैंने बना लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे? देखो डेफनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और हम दोनों जो भी काम करेंगे उसको मैं राज रखूंगा, किसी से नहीं कहूंगा, मैं बहुत अच्छा राजदार हूँ। जी सर, ठीक है मैं आ रही हूँ बस उमर सर। अल्लाह उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना, अल्लाह बचा लेना। हाँ आओ, हमें शोरूम वाली मीटिंग के लिए टाइम निकालना होगा डेफनी। आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आज तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। कैसे नहीं हो सकता, कुछ तो होगा जो पोस्टपोन हो सकता है, आओ मिलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है आप देख ले। हाँ इधर आओ मुझे दिखाओ। हाँ देखते हैं क्या क्या प्लान है आज के। ये देखिए, तो ऐसा है कि आज आपकी मीटिंग है और यास्मीन मैडम ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो, समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब पोस्टपोन नहीं हो सकती है जो मीटिंग है आज की, वो बता रही हूँ। आराम से, आराम से। गलती से हो गया। सुदे क्या हाल है डेफनी? मैं ठीक सुदे मैडम, आप कैसी हैं बताइए। बहुत शुक्रिया। सुदे हम बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। देख रहा है देख रहा है, ये क्या फरतफरी है, क्या हो रहा है? हम टाइम निकाल रहे हैं, हमें टाइम को मैनेज करना होगा। ठीक है तो फिर हम इस इंटरव्यू को पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है तो फिर मैं इंटरव्यू पोस्टपोन कर देती हूँ, बस इसी तरीके से हम मीटिंग के लिए स्लॉट निकाल सकते हैं। तुम कर सकती हो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं, प्लीज कर दो ना, अरेंज कर दो। डेफनी मीटिंग में तुम भी साथ चलोगी? हाँ ठीक है। ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम बचा है मुझे उसको निपटाना है। ठीक है, कोई काम हो तो बताना। ओके। अरे तुम यहाँ कब आए, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, मुझ पे गुस्सा हो तुम? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, क्या हुआ, क्या तुम अभी तक मॉडलिंग वाली बात पर? हाँ नहीं नहीं, अरे ऐसा इरादा किया जरूर था लेकिन अब मैंने इरादा बिल्कुल बदल लिया है। तुमने तो बोनस भी छोड़ दिया। हाँ हाँ वो भी छोड़ दिया, बस ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं आपको तो पता है, तो बस मैंने बकवास कर दी और बस अब खैर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोनस वगैरह की बात उसको छोड़ दें आप। तो चलो फिर मीटिंग के लिए चले।
क्या सिनान सर नहीं आएंगे? वो नीचे चला गया, हम उसे बाहर मिल लेंगे। कितना अजीब है ना, हम इस तरह हम दोनों इस रिश्ते में बंधेंगे। इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा सब। जब तक तुम्हें कोई दौरा नहीं पड़ जाता तब तक। नहीं पड़ेगा, मुझे अपनी जगह मिल गई है। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? लिफ्ट में हम दोनों अकेले होंगे, डरोगी तो नहीं तुम? लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ऑफिस की लिफ्ट है, लोग चढ़ते भी रहते हैं, उतरते भी रहते हैं, कैमरा वगैरह भी होंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस ठीक ही हूँ। चाचा जान, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे जाना है। तुम लोग जाओ, मुझे काम है। खुदा हाफिज। सब ठीक तो है ना सिनान? हाँ सिनान, सब ठीक है। चलो। तुम शाम में ट्रेनिंग के लिए जा रही हो ना? क्या ट्रेनिंग के लिए? शाम को ट्रेनिंग थी तुम्हारी, जाओगी ना वहाँ? हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर हमारा काम भी कर देना तुम। मैं ढूंढ लूंगी, आप फिक्र नहीं कीजिए। आप तो पीछे ही पड़ गए यार, कोई जरूरत नहीं है उसकी वैसे। ठीक है डेफनी, तुम्हारे डिजाइन भी देखेंगे, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और वैसे भी तुम हमारे साथ ही काम कर रही हो। मैं अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती हूँ यार, नहीं कर पाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। नहीं, मुझे लगता है अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। नहीं हो पाएगा ना यार, या अल्लाह, कब से कह रही हूँ, वैसे भी वक्त नहीं मिलता मुझे बिल्कुल। वक्त की बात नहीं है डेफनी, बस ये तो समझ की बात होती है। और तुमको वैसे भी सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने वो डिजाइन नहीं देखे जो हम तुम्हें दिखा रहे थे? वैसे वो डिजाइन बहुत जबरदस्त था। नहीं सिनान, वाकई बहुत अच्छा था। शुक्रु भाई, यार कितनी गर्मी हो रही है यार, एसी तो चलाइए ना, क्या हो गया है? उफ गर्मी। हाय कितनी खूबसूरत जगह है यार, ये पैशंस का शोरूम। हाय कपड़े तो देखो जरा, इसके कपड़े तो देखो। हाय है इतना महंगा, क्या हो गया यार, पागल हैं क्या ये? उबर सर, सिनान सर, खुश आमदीद। शुक्रिया। मीटिंग के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, जब तक आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया, बाद में। मैं आती हूँ जरा। ओहो ज़हन नसीब, आप यहाँ? क्या तुम कभी हमारा पीछा छोड़ोगे? ओहो देखो, इनको तो गुस्सा आ गया। ये गुस्सा ऑफर की वजह से है जो मैंने शोरूम के लिए दी थी। मुझे लगता है अब तुम हद पार कर गए हो, बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो जो मशवरा दोगे, तो क्या इसे एक दुश्मन की धमकी समझूं? सुनो, तुम अपने काम से काम रखो समझे, और हमें अपना काम करने दो। और हमारे शोरूम को लेने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसे बिजनेस पे हमला कह सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही काम कर रहे हैं, क्यों है ना? हाँ सही कहा। तो ठीक है, चलता हूं, फिर मिलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा आप चाहो। यह कंपनी हमारे लिए भी बहुत कीमती है, लेकिन हमने डेनिस से बेहतर ऑफर ले लिया है।
तो हम तुम्हारे शोरूम को ट्रामा को देंगे। हम आपके साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें, और हम आपके साथ भी काम करेंगे। तो फिर ठीक है, आप हमारा एग्रीमेंट कैंसिल समझें। वो क्यों? क्या मैं कह रहा हूं, इसलिए ऑफर कैंसिल करने के लिए मेरा लॉयर आपको फोन कर देगा। आपके साथ काम करके काफी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। चलो सिनान। मिस्टर उमर, एक मिनट, हमने आपके लिए एक और शोरूम तैयार कर लिया है, प्लीज बैठिए, बात करते हैं। बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, फैसला तो कर चुके हैं आप। उमर साहब, हम काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोई हल निकाल लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, बिल्कुल नहीं। यानी आप चाहते हैं कि हम डेनिस ट्रांबा की ऑफर से इनकार कर दें? जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रांबा यहाँ है तो हम नहीं होंगे, आपकी मर्जी है। आप लोग ट्रांबा के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। अच्छा आप जरा दो मिनट बैठें, हम जरा मशवरा कर लें। जी बिल्कुल कर सकते हैं। डेफनी देखा मेरा भाई कैसा है, इतना साबित कदम और मजबूत। मैं जानता हूँ ये जो काम करने का इरादा कर ले उसको करके ही छोड़ता है, यही तो खूबी है इसकी। वैसे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। ट्रांबा की जो जगह है मैं उसे वही देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक। वैसे आपने हमें एक बहुत मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है, हम आपसे कल तक का टाइम मांग रहे हैं, हम आपको अपना फैसला कल बताएंगे। जैसा आप चाहें, अगर आपका फैसला बदला तो? ऐसा नहीं होगा, चलो सिनान। अच्छा ठीक है। अच्छा हम चलते हैं। ओके खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। उमर ये फैसला करने के बाद तो हमें सुकून मिल गया, क्या हम अब वो जगह छोड़ रहे हैं? ये सब उनके फैसले पर डिपेंड करता है, तुम नई जगह ढूंढ लो सिनान। वैसे ये मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये काम आसान नहीं है, वैसे मुझे उनका हल पसंद नहीं आया, कह रहे थे कि डैनिस साहब की ऑफर कबूल कर लो, तो ले लो ट्रामा को शोरूम में लेकर आ जाओ, पता चल जाएगा उनको। अच्छा ही हुआ, भूल जाओ उसे। तो तुम क्या चाहते हो सिनान, हम गलत रास्ता चुन लें? जो रास्ता नजर आए हम उस पर चलें, चाहे वो गलत हो। हम काम ईमानदारी से करते हैं, हमें लोग भी ऐसे ही चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो बात है मेरे भाई की। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो क्या तुमने मुझ पर भरोसा करके ये बाजी खेली है? सच बताना। वैसे चलो तो फिर मैं कोरे को चुन लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हाँ वो करना जरूरी था, तुम पर भरोसा करता हूँ मैं, और किस पर करूंगा मेरी जान। क्या बात है मेरे भाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आओ डेफनी, किचन यहाँ पे है। हाँ किचन कहाँ है मैं जानती हूँ, नरमीन मैडम ने मुझे पहले भी बुलाया था, मैं यहाँ आ चुकी हूँ पहले। हाँ अम्मी ने तुम्हें कई बार बुलाया होगा। खैर मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ, तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आ रही। ठीक है। उमर। डेफनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूदे ने मुझे दावत दी थी, वो अकेली थी तो बातचीत करना चाहती थी, इसलिए बुलाया। मैं चाचा के साथ बाहर बैठा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है, जहां मैं जाऊं वहां तुम मिल जाओ? मैं हॉट चॉकलेट बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? क्या तुम्हें हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है? रुको कोई देख लेगा यार। देख ले मुझे क्या? अरे छोड़ो ना तुम। नहीं छोड़ूंगा। यार उमर। हाँ बोलो। स्वेटर वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। महकाने की अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला जो चाहिए। कॉफी अच्छी बनी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छी बनी है। मैं भी चख लूं। लजीज है। अब मैं पूरी कॉफी पीऊंगा। यार तुम भी ना। कुछ पूछूं तुमसे? क्या हमें चाचा चाची को बता देना चाहिए, वो खुश हो जाएंगे? अरे नहीं ना प्लीज नहीं। क्यों? मैंने अभी तक अपनी नानी को भी नहीं बताया ना, उनसे पहले नहीं। हाँ सही कह रही हो, तो इसे हम राज ही रखते हैं।
सिनान, तुम क्या कर रहे हो डफनी के साथ? देखो जितना बनती हो तुम उतनी भोली हो नहीं। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं हो। बात सुनो। चलो एक घूंट और पी लूं। अरे चलो एक घूंट यार, चलो ना। तो तुम जाओ ना। समझ नहीं रहे डेफनी, यहां से भाग चले। नहीं भाग नहीं सकते, सुधे को वादा किया है मैंने। आहा, मेरा कजन आया हुआ है। क्या हाल है कजन? ठीक। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, कहां थे तुम? मैं चाचा के साथ गार्डन में था। डेफनी क्या हम भी गार्डन में चलें प्लीज, ताजा हवा के लिए? ठीक है। दैट्स वंडरफुल, तो मैं अम्मी को बता देती हूँ कि वहां पे बिल्कुल भी ना आए। यहाँ क्या हो रहा है? अरे कितना अच्छा हुआ ना हम पांचों साथ हैं। वैसे हम पांचों कभी एक साथ नहीं बैठे हैं। बैठे हैं या नहीं बैठे? हाँ बैठे हैं। ठीक है अम्मी जान, आप थोड़ा चुप तो रहें। मैं और डेफनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम और करीब हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ सही है। सूर्य तुम्हारा कंपनी जाए बगैर टाइम नहीं कटता। वैसे तुम डेफनी की दोस्त हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें दूसरे लोगों से भी मिलना चाहिए। तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं सुदे, ये क्या है हर वक्त काम काम, तुम बोर हो जाओगी मेरी जान। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप, उमर भी तो हमेशा कंपनी में होता है, उससे पूछिए क्या वो खुश नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन शायद हम जिंदगी को एक नजरिए से नहीं देख रहे। सही बात है, मेरे नजरिए से वैसे ही बहुत अजीब चीजें दिखती हैं, कोई और नहीं देख सकता। अरे ऐसा करते हैं ना, कोई गेम खेलते हैं, क्या कहती हो तुम? एक मिनट, यहाँ तो धुआं उठ रहा है, क्या हो रहा है, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं अम्मी जान, आप जानती हैं मेरा और मेरे कजिन का रिश्ता बहुत अलग है, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। देर हो गई है अब बहुत ज्यादा, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ। हम इतनी जल्दी उठ जाएंगे? अरे हाँ हाँ, सबको काम करना है मेरी जान, अब मतलब हमें इन दोनों को नहीं रोकना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके साथ बाहर चलती हूँ।